दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 530 के पार जा चुकी है। इनमें से जमात के लोगों की तादाद है 330। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जमात ने दिल्ली को महामारी के भारी संकट में डाल दिया है, लेकिन हम सक्षम हैं और पूरी तरह से निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है दिल्ली सरकार। कारण उसका है कि मरकज के केस बहुत तेजी से बढ़े, जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज के ही हैं। बड़े पैमाने पे सामने आए हैं वो मरकज वाले केस में सामने आए हैं कि वहाँ उनके टच में आए लोग। दिल्ली में कुल 503 केसेज अभी तक पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 320 मरकज के हैं। आज टोटल केसेस की संख्या 4067 है, जिसमें से 1445 केसेज एज आई मेंशनड यस्टरडे दे आर रिलेटेड टू तबलीगी जमात कंफर्म केसेज। अगर अब दिल्ली में सही मायने में कोरोना वायरस के बेकाबू होने का खतरा है तो उसका भी जिम्मेदार जमात ही है। दरअसल जब मक्का मदीना और काबा कोरोना संक्रमण की वजह से बंद हो चुका था, तब दिल्ली में तबलीगी जमात का मरकज चल रहा था। यहां से कोरोना संक्रमण की खबर आने के बाद जब जमातियों को बाहर निकाला गया तो उनकी जाँच के बाद दिल्ली में कोरोना के मामले देखते ही देखते 500 को पार कर गए। सोमवार को पूरी दिल्ली के मरीजों की तादाद और उसमें जमात की हिस्सेदारी खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की जुबानी सुनिए। और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं, तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं। इन 20 में से 10 मरकज के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं। तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज के 330 केस हैं, जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे, ऐसे 61 लोग हैं। साफ है कि जमातियों ने दिल्ली को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। खतरा केवल उनका नहीं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, बल्कि उनका भी है जो इन जमातियों के संपर्क में आए हैं। तमाम जो जांच एक तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 323 केस दिल्ली में मिलने से जाहिर तौर पर हड़कंप मचा पड़ा है। ऐसे में सरकार के लिए भी चिंता की बात है और आने वाले दिनों में कुछ और जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी, जिससे और स्थिति साफ होगी कि पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव है वो कितने हैं। खतरा उन डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ को भी है जो उनका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में डॉक्टर भी आ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी जमात को ही सारी मुसीबत की जड़ बता दिया है। बड़े पैमाने पे सामने आए हैं वो मरकज वाले केस में सामने आए हैं कि वहाँ उनके टच में आए लोग। ये इतनी बड़ी असेंबली रोकनी चाहिए थी, वो जिम्मेदार हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं, इनको जिम्मेदारी माननी चाहिए कि हाँ हमसे ये चूक हुई, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कोरोना के स्प्रेड में। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस करीब 25,000 जमातियों को ट्रेस करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है जो पूरे देश में फैले हैं। तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में भी आपको अपडेट करना चाहूंगी कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है। अब जमात ने दिल्ली को जिस मुहाने पर ला खड़ा किया है उससे निकलने का एक ही रास्ता है, इन जमातियों के संपर्क में आए तमाम लोगों की पहचान, उनकी जांच और संक्रमित पाए जाने पर उनका इलाज। लेकिन जमात के लोगों का जैसा असहयोग का रवैया है उससे ये काम इतना आसान नहीं है। अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकले जमाती मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। मस्जिदों में छुपकर रहने वाले इन लोगों के तमाम लोगों के संक्रमित होने का खतरा लगातार बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन इनकी धरपकड़ में लगातार जुटी है। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज से कोरोना के जो कैरियर निकले उन्होंने पूरे देश को वायरस की चपेट में ला दिया है। मरकज से निकले जमाती पूरे देश में घूमते रहे, कभी इस मस्जिद तो कभी उस मस्जिद, कभी मध्य प्रदेश तो कभी महाराष्ट्र। अब कोरोना बांट रहे ऐसे जमातियों की पूरे देश में धरपकड़ जारी है। मरकज से निकले ऐसे ही सैकड़ों जमाती अभी तक पुलिस के रडार से बाहर हैं। राज्य सरकारें मोबाइल सर्विलांस के जरिए अब इन जमातियों की खोजबीन में लगी हैं। इन जमातियों ने महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ा है।
मुंबई पर भी मरकज से निकले जमातियों ने आफत ला दी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना का जो पहला केस मिला उसे भी बीमारी जमातियों से ही लगी थी। जांच में सामने आया है कि इस शख्स ने अपने घर में 10 जमातियों को खाना खिलाया था और रुकने का इंतजाम किया था। इससे पहले कि इन जमातियों तक पुलिस पहुंच पाती ये मुंबई से केरल रवाना हो गए। मुंबई के मुमरा इलाके में स्कूल चलाने वाले एक शख्स ने भी 13 बांग्लादेशी जमातियों को पनाह देकर पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया। आरोप है कि इसने मलेशिया के 8 जमातियों को भी अपने यहां पनाह दी थी। इन सभी 21 विदेशी जमातियों ने मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश में भी जमातियों ने तमाम शहरों को कोरोना के खतरे में डाल दिया। इंदौर में जिन लोगों ने डॉक्टरों की टीम पर हमला किया था वहां पर जमात का प्रभाव सामने आया है। इसके अलावा भोपाल में 36 जमातियों की पहचान की गई है। ग्वालियर में 11 जमाती मिले हैं। इन सभी ने दिल्ली के मरकज में हिस्सा लिया था। देश में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद उम्मीद यही थी कि कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जमातियों ने तमाम उपायों पर पानी फेर दिया। आज तक ब्यूरो।